अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस परमिटेड कॉर्ड विच इज़ एन प्रेजेंट इन दी मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। सो दिस परमिटिक कॉर्ड, इट इज़ अ कॉर्ड डेट विल कंटेन द स्ट्रक्चर्स रनिंग टू वर्ड एंड कमिंग फ्रॉम द टेस्टिस। ओके, सो वी विल राइट इट हियर। इट इज़ अ कॉर्ड कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स running to and from, ठीक है, मतलब कि टेस्टिस की तरह कुछ स्ट्रक्चर जा रहे होंगे, कुछ वहाँ से आ रहे होंगे, ठीक है, इस कॉर्ड के जरिए से, ठीक है। तो ये हमारे पास परमिटेड कॉर्ड। दूसरा इसका जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि जी इट विल सस्पेंड द टेस्टिस इन द स्क्रूटम। क्या सस्पेंड करेगी टेस्टिस को इन स्क्रूटम, ठीक है। टेस्टिस को स्क्रूटम के अंदर जो है ना, वो जो सैक होता है उसके अंदर होल्ड करके सस्पेंड करके रखा होगा उसके, इससे स्पर्मेटिक कॉर्ड रहे, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बारे में आपने इसकी वो हम देखने की ये स्टार्ट कहाँ से होगी, एंड कहाँ से होगी। तो ये स्टार्ट होगी डीप इंग्वाइनल रिंग से। इट विल स्टार्ट फ्रॉम डीप इंग्वाइनल रिंग ठीक है। डीप इंग्वाइनल रिंग पे ये स्टार्ट होगी, देन इट विल एग्जिट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। एंड एंड्स और एंड कहाँ पे होगी, इन स्क्रूटम एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो ये हमने देखी इस पर मिड कॉर्ड की एक्सटेंशन की वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में वो है इसकी कवरिंग्स, मतलब अगर हम इसको आउटसाइड से इनसाइड देखते हैं तो इसकी कौन कौन सी वापस जो है वो कवरिंग्स आएंगी, ठीक है। तो सबसे आउटसाइड पर स्किन होगी, स्किन के बाद क्या आएगा वापस आएगा जी डार्टर्स मसल और डार्टर्स फेशिया। क्या आएगा, डार्टर्स मसल आएगा और साथ में डार्टर्स फेशिया। डार्टर्स मसल क्या है, ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर का मसल है, इसको हम जब उसके एनाटॉमी पढ़ेंगे उसमें भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, डार्टर्स मसल और डार्टर्स फेशिया के बाद हमारे पास आ रहा था एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया के बाद हमारे पास आ जाएगा जी क्रिमेस्टेरिक मसल, क्रिमेस्टर मसल, ठीक है। और इस क्रिमेस्टर मसल के बाद हमारे पास आ जाएगा क्रिमेस्टेरिक फेशिया। क्रिमेस्टेरिक फेशिया के बाद आ जाएगा जी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ठीक है, और लास्ट पे आ जाएगा जी प्रोसेसेस वेजिनेलिस। अब जरा आप ये देखेंगे ये सारी टर्म्स जो है ना, ये सारी जो है वो हमारे लिए न्यू है, ठीक है। तो मैं जरा आपको ये थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने आपको बता दी कि डार्टर्स मसल का क्या था, यूरिनरी ब्लैडर का मसल था। फिर था ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, तो ये कहाँ से बन रहा था, ये एक्सटर्नल ओब्लीक मसल का जो है ना वो एपोन्यूरोसिस और उसके इन्वेस्टिंग फेशिया से बन रहा था। ये जो है फ्रॉम दी एक्सटर्नल ओब्लीक एपोन्यूरोसिस एंड इट्स इन्वेस्टिंग फेशिया, उससे जो है ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बना था। फिर ठीक, फिर हमारे पास आ जाता है क्रिमेस्टेरिक मसल, जब मैं आपको नीचे डिटेल में बताऊंगा। देन इज क्रिमेस्टेरिक फेशिया, तो ये जो है ना इट विल बी ड्राइव फ्रॉम द सुपरफिशियल एंड द डीप सरफेसेस ऑफ द इन्वेस्टिंग फेशिया ऑफ इंटरनल ओब्लीक। ये जो है ना क्रिमेस्टेरिक फेशिया, ये सुपरफिशियल एंड डीप स्ट्रक्चर्स of investing fascia of the internal oblique।
अभी इन्वेस्टिंग फी ये क्या है, इसको मैंने ये जो है ये फेजिया ऑफ जब हम पढ़ते हैं डोमेन उसमें सारा एक्सप्लेन किया है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। फिर हमारे पास आया था जी इंटरनल स्पर्मेटिक फेजिया, तो ये जो है ना ये ट्रांसफर सैलिस फेजिया से आएगा, इट विल बी ड्राइव फ्रॉम दी ट्रांसफर सैलिस फेजिया। और प्रोसेसिस वजीनेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट वाज़ दी आउट पाउचिंग ऑफ दी पैरेटल पेरिटोनियम ड्यूरिंग दी 12th वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में जो है वो हम एम्ब्रियो में ही देखेंगे। तो ये हमने कवरिंग दी, मैंने कहा था मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्रीम बेस्टर मसल, ठीक है। अब हम इसकी तरफ आए थे क्रीम बेस्टर मसल कि ये एक्चुअल है क्या क्रीम बेस्टर मसल। तो ये जो है ना इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लोअर पार्ट ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये बन कैसे रहा होगा फॉर्म्ड बाय लोअर पार्ट्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। तो ये इसके वो किस बनने के फिर है जी कि इसका फंक्शन क्या है, तो इट विल ड्रॉ द टेस्टिस सुपीरियरली इन स्क्रूटम, टेस्टिस को अपवर्ड जो है ये लिफ्ट कर रहा होगा, ड्रॉस टेस्टिस superiorly in scrotum, ठीक है। मतलब कि इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड इन्वायरमेंट जो जब को तो भी ये हीट को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो टेस्टिस को अपवर्ड लिफ्ट कर लेगा स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। तो वो ये जो है एक ये क्रीमेस्टर मसल का काम है। फिर अगर हम देखें इसकी इनर्वेशन क्या है क्रीमेस्टर मसल की, तो इट विल बी इनर्वेटेड बाय द जेनिटल ब्रांच ऑफ द जेनिटल फेमोरल नर्व, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटल फेमोरल नर्व, और फिर हम इसका देखेंगे इसका जो है वो जो ऊपर पड़ गया था डार्टर्स मसल, इस मसल का डिफरेंस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये होगा ना क्रीमेस्टर मसल, इट विल बी स्ट्राइएटेड, ये स्ट्राइएटेड मसल होगा, और इसकी जो इनर्वेशन होगी वो सोमैटिक इनर्वेशन होगी, हैविंग सोमैटिक इनर्वेशन, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं ना इसको आके डार्टर्स मसल को, तो ये स्ट्राइडेड नहीं होगा, ये डार्टर्स मसल भी स्मूथ मसल, और जो इसकी इनर्वेशन होगी वो होगी ऑटोनॉमिक इनर्वेशन, हैविंग ऑटोनॉमिक इनर्वेशन, ठीक है। उसकी सोमैटिक थी, इसकी ऑटोनॉमिक है वो स्ट्राइड था, ये स्मूथ आ गया, हमने क्रीमेस्टर मसल देख लिया, ठीक है। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पर्मेटिक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँ ताकि आप लोगों को फिर अच्छी तरह याद रहे, क्योंकि जो डायग्राम है वो इजीली रिमेंबर होती रहती है इस टेक्स्ट के बजाय, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो डायग्राम ही ड्रॉ करूँगा, ये हम सब ड्रॉ कर रहे हैं, साथ साथ इसको इसकी लेबलिंग भी करेंगे। तो ये देखेंगे ये हमारे पास होगा सबसे बाहर, दिस विल बी द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेजिया, ठीक है। फिर ये इसके जो दरमियान वाला ये हमारे पास आ जाएगा जी क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर फेजिया, और अल्टीमेटली जो इनसाइड पे जाना ये हमारे पास आ जाएगा जी इंटरनल स्पर्मेटिक फेजिया। ठीक है, अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स देखें तो जो मेन यहाँ से पास करा है डेट विल बी द डक्टस डेफरेंस और द वास डेफरेंस, ठीक है। वो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये वास डेफरेंस क्या है, ये वो ट्यूब है अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है, इसको हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इसका ये नाम याद कर लिया कि वास डेफरेंस,
यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। फिर अगर हम आए इसकी आर्टरीज की तरफ से, यहाँ इसमें टोटल जो है वो तीन आर्टरीज पड़ी होती हैं, ठीक है। वन विल बी दिस आर्टरी, ये होगी जी आर्टरी टू डक्टस, क्योंकि डक्टस डेफरेंस के पास ही पड़ी हुई है, तो इट विल बी आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस। ठीक है, दूसरी आर्टरी जो यहाँ पड़ी होगी डेट विल बी टेस्टिकुलर आर्टरी, ये कुछ इस पॉइंट पे होगी हमारे पास। टेस्टिकुलर आर्टरी, और जो तीसरी आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट होगी डेट विल बी आर्टरी टू द क्रीमेस्टर मसल, तो वो क्रीमेस्टर मसल के अंदर ही पड़ी हुई होगी लाइक दिस आर्ट, यहाँ उसको हम कहेंगे क्रीमेस्टेरिक आर्टरी। ये जो है क्रीमेस्टर मसल को सप्लाई कर रही होगी। तो ये हमें तीन आर्टरीज देख ली। फिर अगर हम आए इसकी नर्व की तरफ, तो नर्व हमारे पास आ जाएगी एक जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटल फेमोरल, जो कि किसको सप्लाई कर रही थी, मैंने को ये बताया क्रीमेस्टर मसल को, तो यहाँ क्रीमेस्टर मसल में यहाँ पड़ी होगी आर्टरी के साथ, ये होगी जेनिटल ब्रांच। हेमरल नर्व, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसमें नर्व आ रही होगी डेट विल बी द इलियो इंग्वाइनल नर्व, तो वो यहाँ पड़ी हुई होगी इसके बॉर्डर के ऊपर आके, ठीक है। और तीसरी नर्व जो होगी ना डेट विल द सिंपैथेटिक प्लेक्सस विच बी प्रेजेंट अराउंड द आर्टरीज, ठीक है। लाइक अब ये जो थी डॉक्टर्स रेफरेंस, तो इसके अराउंड पे ऐसे सिंपथेटिक प्लेक्सिस पड़ा होगा, ठीक है। सब आर्टिस्ट के ये ना अराउंड पड़ा होता है सिंपथेटिक प्लेक्सिस, अराउंड ये है जो है ये आर्टरी टू डॉक्टर्स रेफरेंस। इसी तरह ये बाकी आर्टिस्ट के अराउंड भी होगा सिंपथेटिक प्लेक्सिस। तो ये तीन इसकी जो है वो हमने देख ली है, नर्व देख ली। उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं, उसमें हमारे पास एक आयता है जी, इसको हम कह रहे होते हैं पिम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस, पिम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सिस। ये एक्चुअली क्या है कि ये 12 वेन्स का नेटवर्क होता है जो सारी मिलके तो टेस्टिकुलर वेन बनाते हैं। डिटेल में तो इसको हम टेस्टिस में देखेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ अभी यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। ये ना किसा कुछ ना 12 वेन्स का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, पिम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सिस। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पड़े होते हैं जी लिम्फ नोड्स होते हैं, या लिम्फैटिक वेसल्स जो कि इसमें से पास कर रही होती हैं। और एक और चीज़ इसके इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जब डायग्राम में नहीं है, वो है जी रिमेन्स ऑफ द प्रोसेसिस वेजिनेलिस, रिमेन्स ऑफ प्रोसेसिस वेजिनेलिस। ये प्रोसेसिस वेजिनेलिस क्या है, ये आउट पाउचिंग होती है पैरेटल पेरिटोनियम भी ड्यूरिंग द 12th वीक ऑफ डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियो पॉइंट है, वहीं पे देखेंगे। अभी हमें सिर्फ इसका नाम याद रखना है, ठीक है। तो अब इसको याद करके तरीका क्या है कि देखिए इसमें तीन आर्टरीज हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी, डक्टस डेफरेंस और क्रीमेस्टेरिक आर्टरी। सेम इसमें जो है वो तीन ही नर्व्स है, एक जी सिम्पथेटिक प्लेक्सिस है, एक जी है जेनिटल ब्रांच और एक ये इंग्वाइनल नर्व, और तीन ही अदर स्ट्रक्चर्स हैं वो के साथ देखें, वास डेफरेंस, पिम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सिस और रिमेन्स ऑफ द प्रोसेसिस वेजिनेलिस। फार्मूला ऑफ थ्री से आप इसको इजीली याद भी कर सकते हैं। थैंक यू।